अलमकुम्म वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैंने एक पहले वीडियो अपलोड की थी चेक राइटिंग सॉफ्टवेयर के लिए हवाले से तो उस पर जो है ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी और कुछ मुझे मैसेज आए थे कि जो है ना इसको कैसे यूज़ किया जाए प्रिंटर के तौर प्रिंट से कैसे यूज़ किया जाए लिंक करके इसको उसकी सेटिंग के बारे में पूछा जा रहा था तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था सेटिंग उसकी लेकिन मैं ज़रा डिटेल में इसको बता देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए सबसे पहले तो आप जब सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे आप जो है ना ऑप्शन में चले जाए ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे प्रिंटर एडजस्टमेंट है प्रिंटर है उसके बाद फ्राउ है स्टाइल है तो ये कुछ ऑप्शन हैं जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमने जब प्रिंट सेटअप करने जाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास एक तो पोर्ट्रेट का ऑप्शन है एक लैंडस्केप का ऑप्शन है अब ये दोनों ऑप्शन आपने सबसे पहले तो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है आपने ए फोर साइज़ पेपर पे आप पहले प्रिंट निकाल के देख लें कि वो कैसे निकल रहा है ठीक हो गया तो एक तो उससे ये आपको पता चलेगा कि प्रिंट आपके आप सॉफ्टवेयर से प्रिंटर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा उसका मतलब वो कमांड उस पर जा रही कि नहीं जा रही तो एक तो ये आपको आइडिया जाएगा दूसरा आ, मैंने ये जो एक्सपेरिमेंट जब किया था तो मैंने पोर्ट्रेट पर भी किया था और लैंडस्केप पर भी किया था लेकिन जो मुझे सक्सेस हासिल हुई थी प्रॉपर वो लैंडस्केप के ऊपर हुई थी तो अब इसमें यह होगा कि आप इसको फिर भी अपने एंड पे दोनों तरह चेक कर लें पहले तो कोशिश ये करें कि आपके पास अगर कोई कैंसिल चेक पड़े हुए हैं तो आप उनको यूज़ करें ठीक है दोनों दोनों जो है ना पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों आप ऑप्शन यूज़ करके देखें हो सकता है आपके प्रिंटर के हिसाब से वो पोर्ट्रेट पे उठा ले प्रॉपर या लैंडस्केप पे उठा ले लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता था दूसरा अब इसमें इशू क्या आया था मुझे जब इशू आया था कि मैंने जब पोर्ट्रेट में निकाला था तो जो फ़ॉर एग्ज़ाम्पल लिखा होता है अमाउंट लिखी होती है अमाउंट इन वर्ड तो वो जो जब प्रिंटेड आ रहा था तो अमाउंट इन वर्ड के ऊपर ही जो है ना वो अमाउंट लिखी हुई आ रही थी वर्ड्स की तो उसकी वजह से जो है ना वो अ, मतलब चेक ख़राब हो गया था तो जब मैंने लैंडस्केप पे निकाला तो वो बिल्कुल उसने जो है ना मार्जिन सही रखते हुए जो है ना उसको प्रिंट किया था तो इसलिए फिर मैं आपको कह रहा हूँ मतलब आप दोनों तरीक़ों से चेक कर लें तो बाकी सम टाइम ऐसा होता है कि आपका जो प्रिंटर है उसकी कम्पेटिलिटी भी देखी जाती है मैंने इसको वाईफाई के तौर पे भी प्रिंटर कनेक्ट करके उससे भी प्रिंट निकाल के चेक किया है और सही निकला प्रिंट और दूसरा मैंने डायरेक्ट कनेक्ट करके देखा था लैपटॉप के साथ तो मतलब वायर के साथ तो उससे भी जो है ना उसका उससे तो बिल्कुल ही वो प्रॉब्लम नहीं पेश आई थी मुझे कोई तो अब मैंने दूसरा आपने ये इसमें ये देखना है कि एक तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बाद आपने स्टाइल में जाना है स्टाइल में आपने जाके यहाँ पर पेई का आ रहा है ऑप्शन और प्रिफिक्स और सफिक्स आ रहा है सफिक्स आ रहा है इसमें ये है आता है पेई जो पे का नाम है फॉर एग्जांपल अगर आप जो प्रिंट निकाल रहे हैं तो वो पेई के ऊपर फॉर एग्जांपल प्रिंट निकल रहा है तो फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे आप जो है ना स्पेस दे दें दो स्पेस दे दें तो वो ये होगा कि नाम थोड़ा सा आगे होके स्टार्ट हो जाएगा ठीक है अगर इधर कोई इशू नहीं आ रहा आप इसको एज इट इज़ इसी तरह रहने दें आप नीचे आ जाएँ तो नीचे यहाँ पर जो है ना मैंने क्या किया था कि जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर पहले टू स्टेरिक आएंगे जब आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे टू स्टेरिक आ रहे होंगे आपके पास आप इसको टू स्टेरिक को हटाएं आप क्योंकि समटाइम होता है कि स्टेरिक नहीं यूज़ करते हैं यहाँ पे तो आप इसको यहाँ पे क्या कर लें आप इसको अगर ये वो उसका जो अमाउंट लिखी होती है अमाउंट इन वर्ड उसमें या रुपीज़ लिखा होगा तो उसमें अगर वो गैप शो कर रहा है जब आप प्रिंट निकालते हैं उसके थ्रू मतलब तो कोई भी कैंसर चेक पर तो फिर तो ठीक है अगर वो गैप शो नहीं करता तो आप यहाँ पर स्पेस से दो तीन स्पेस रख लें ठीक है दो तीन दफ़ा इंटर करेंगे तो वो स्पेस दो तीन वर्ड्स की जो है ना आ जाएगी वो आपके पास जो है ना जो दो तीन लेटर की जो स्पेस आएगी आप उसको यूज़ कर लेंगे कि वो वहाँ से उसके आगे से स्टार्ट करें उसको बाकी मैंने जिस तरह ये वर्ड्स ये अमाउंट का था मैंने ठीक है अमाउंट में मैंने क्या कर दिया मैंने स्टैरिक लगा दिया था इधर तो वर्ड में जाके मैंने जो है ना यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरा जो है ना वो शुरू हो रहा है तकरीबन तो तीन स्पेस के बाद ठीक है ये सेम चीज़ मैंने अमाउंट में भी कर दी थी और सेम अमाउंट इन वर्ड अमाउंट वर्डिंग में भी कर दी अमाउंट वर्डिंग में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि वो अमाउंट वर्डिंग जो है ना वो वो के ऊपर ही आ गई थी फिर मैंने क्या किया मैंने इसको दो तीन स्पेस दे के आगे स्टार्ट किया तो आप इसको इस तरह इम्प्लीमेंट करें अपने सिस्टम में और यहाँ पर भी आपको जो है ना हो सकता है जब आप डाउनलोड करें सिस्टम सॉफ्टवेयर तो आपको स्टेरिक नज़र आ रहा होगा तो आपने स्टेरिक की जगह यहाँ पे स्लैश और मतलब क्लोज कर दें उसको अमाउंट को या आप ख़ुद से इंटर कर सकते हैं जैसे कि मैं आपके सामने दोबारा कर लेता हूँ ये आप इंटर कर सकते हैं इसको अमाउंट इन वर्ड में आप सिर्फ यहाँ पे जो है ना इसको प्रीफिक्स में स्पेस दे दें ताकि वो जो है ना बिल्कुल ही जो है ना उसके वर्ड जो लिखा हुआ है पहले से प्रिंटेड है उसके साथ से स्टार्ट ना करें उसको या उसके ऊपर ना जाए थोड़ा सा आगे स्टार्ट करें तो वो आपको एक स्पेस मिल जाएगी और वो दोनों चीज़ें प्रिंट करते वक्त एक दूसरे के ऊपर प्रिंटेड नहीं होंगी तो ये आप इसको एक दफ़ा करके देखें तो उम्मीद है कि आपको जो है ना ये प्रॉब्लम आपकी हल हो जाएगी तो बाकी ऐसा जिसके अंदर और कोई इशू नहीं है आ, बस ये कि आपको देखना पड़ेगा कि समटाइम प्रिंटर की जो है ना कंपेटेबिलिटी का इशू आता है लेकिन आप जो है ना इसको मैंने आपको जैसे कहा कि दो चीज़ों का ख्याल रखें आप पहले पहले तो आप इसको ए फोर में प्रिंट निकाल के देखेंगे प्रिंट हो रहा है उसके बाद दूसरा आपने ये करना है कि आपने चेक कैंसिल चेक देख लें अगर कोई भी कैंसिल कैंसिल चेक मिल जाएगा तो उसके ऊपर आप इसको प्रैक्टिस कर लें ठीक है दोनों दफ़ा दोनों तरीके से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बेहतर तरीका है इसको सॉफ़्टवेयर uh, को यूज़ करने के लिए तीसरी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट यह है कि जब आप uh, जब प्रिंटर में आप इसको चेक को रखेंगे तो आपने एक कोशिश ये करनी है कि अगर उसको फॉर एग्ज़ाम्पल लैंडस्केप में करें तो आप उसकी जो ट्रे में जो उसके रूलर uh, होते हैं तो आप उसको क्लोज़ uh, करें बिल्कुल चेक के साथ ठीक है वो जिस तरह फॉर एग्जांपल आप ए फोर साइज़ का पेपर रखते हैं तो वो आपने इसको आ, उसी हिसाब से जो है ना एडजस्ट कर देंगे आप अगर लीगल रखते हैं तो फिर उसी हिसाब से आपने एडजस्ट करना होता है तो इसी तरह आप जब चेक रखेंगे तो वो दोनों साइड से आप उसको क्लोज कर देंगे ताकि वो सिर्फ़ एक चेक ही प्रिंट होगा बाकी पेपर आप निकाल देंगे सिर्फ चेक वहाँ पर रखेंगे आप तो ये आप चीज़ करके देखें तो उम्मीद है कि जो है ना आप इसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे मैंने तरीका बताया तो आपका जो है ना ये मसला हल हो जाएगा ओके तो आज की वीडियो यहीं तक थी बहुत शुक्रिया अभी देखने के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा अगर आप मेरी लैस वीडियो देखना चाहते हैं थैंक यू अल्लाह हाफिज़